बिल्कुल भी स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करते। मैं प्रोफेशनल बीड़ी बाज न्यू गाइस, मैं ओकेजनली बीड़ी पी लेता हूं कभी। ऐसा लग रहा है भुट्टा सेक रहा हूं मैं। पहले उसके घर में बता, फिर अगर बता। मैं दोनों के घर में बताऊंगी। नॉर्मल रख बात को ऐसे, ठीक है? घर वालों को आपको मेरी कसम है, फोन मुझे दो। पापा जरा देखना, ये एक हफ्ते में एक बार सिगरेट पीने लग गया ये। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जय श्री कृष्णा। तो आज आप देख रहे होगे तान्या ने कौन सा मास्क लगाया हुआ है कि वो बिल्कुल ऋतिक के जैसे दिख रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऋतिक ही है। और आज की जो एंट्री है हमारी, जो ओपनिंग है वीडियो की, वो आपने वैसे टाइटल से पहचान लिया होगा। आज हम कर रहे हैं तान्या के ऊपर स्मोकिंग प्रैंक, जिसमें हम दोनों सिगरेट पियेंगे और देखते हैं तान्या क्या रिएक्ट करती है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। वैसे तो हम बिल्कुल भी स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करते। It is injurious to health. मुझे लग रहा है कि हमें खांसी आ जाएगी, कुछ वैसा हो जाएगा, उसके सामने से पता भी नहीं, उसे पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। कोई नहीं, वैसे जला के छोड़ देंगे, स्मेल आएगी, भागी भागी आएगी, तो एक्टिंग कर लेंगे थोड़ी सी। बाकी कोई भी इस चीज को ये मत समझो कि हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, हम बिल्कुल खिलाफ हैं इस चीज के, और आप भी इस चीज से दूर रहो, क्योंकि इससे बहुत गंदी फटेगी तुम्हारी एक ना एक दिन। वही अगर करना है तो कर लो, फिर तो फिर मुकेश वाले एड में फिर नेक्स्ट तुम ही आओगे। अब हम ऐसा कर रहे हैं, छुपके छुपके बाहर जा रहे हैं, छुपके छुपके क्या ताने को कुछ बोल देंगे, कुछ कोल्ड कॉफी वगैरह, कोल्ड दूध वगैरह खत्म हो रहा है तो हम बाहर जा रहे हैं। फिर वहां पर हम क्या करते हैं, उनसे बोल देंगे सिगरेट वगैरह, कोई लाइट सी होती होगी तो उन्हें कह देंगे कोई लाइट सी सिगरेट दे दो, और ज्यादा देर ना करते हुए चलते। सुन, मैं तो पैकेट लेके जा रहा हूं कोल्ड कॉफी पीते हैं। ठीक है, मैं अभी तब तक चेंज कर लेती हूं, मुझे बहुत भूख लगती है यार। मॉइस्चराइजर तो रखा हुआ है? नहीं तो रखा होगा, देख। चल ऋतिक, चलें। चलो। हेलो गाइस, तो अब हम ले आए हैं बहुत गंदी गंदी चीज, दो एसएल लाइट, जो कि बहुत ज्यादा होती है लाइट, लेकिन ये कर देती है अच्छे अच्छों को टाइट। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सुन के एक बारी, ऐसे तो कुछ नहीं आ रही, मैं तो नाक ही बंद रहती हूँ, मुझे नहीं आती। नाक के अंदर डाल के देख। हाँ, तो अभी हम ये लेके आ चुके हैं और लाइटर भी लाए हम। तो ये लाइटर तो बड़ी महंगी आती है, फग छोटी छोटी सी, साले 10 रुपए की तो है, फिर भी गंदी सी। हाँ, उस हिसाब से ठीक है कि लोग 2 मिनट में फूंक देते होंगे और 10 रुपए खत्म, और ये तो 20 रुपए। हमारा ये सस्ता जुगाड़, ये हमारा एश्ट्रे, क्योंकि इसके अंदर हम टप टप करेंगे क्योंकि हम पे एश्ट्रे तो है नहीं। मैं प्रोफेशनल बीड़ी बाज न्यू गाइस, मैं ओकेजनली बीड़ी पी लेता हूँ कभी कभी, कभी मजदूर दिख जाए मेरे भाई, मजदूर भाई बैठे हुए पी रहे होते हैं आराम से यूं करके, मैं भी साथ में बैठ जाता हूँ यूं करके, इंडियन स्टाइल में पत्ते वाली, रोंगटा खड़ा हो जाता है। हाँ, और पत्ते खेलता हूँ उनके साथ और सट्टे लगाता हूँ 10-10 रुपए के। अभी हम स्टार्ट करेंगे, और अभी ना हम थोड़ा सा गेट खोल देंगे ताकि इसकी स्मेल हो जाए घर में, क्योंकि होता है ना कि इसकी स्मेल हो जाती है गंदी सी। अरे तो अभी किचन में आई हुई थोड़ी देर पहले, किचन बिल्कुल स्टूडियो के साथ, उससे तब स्मेल आएगी। तो गाइस वो देखो, वो रही तान्या, अभी फोकस नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, अब हो जाएगा शायद। वो रही तान्या काम कर रही है बैठ के। गाइस ऋतिक गया है पंखा लेने, कह रहा है कि भाई अगर बाहर तक स्मेल नहीं गई तो पंखा चलाएगा और उसके आगे बीड़ी करेगा, बीड़ी कह रहा हूँ सिगरेट। तो गाइस एक सिगरेट की तो वैसे ही बैंड बच चुकी है, पूरी टेढ़ी हो चुकी है, ठीक है। अरे इससे अच्छा, ये पंखा गाइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये शायद कोई इलेक्ट्रिक फैन लेकर आएगा, इससे बाहर मारेंगे, और ये वाला पंखा लेकर आया। सबके आगे करके दिखाइयो, ये सस्टेनेबल पंखा काफी, इसको ऐसे खोलो और ये खोल बड़ा हो जाता है, और करके भी दिखा, निकली तो हवा आती है, ऐसे ऐसे करेंगे तो बाहर भी चली जाएगी। गेट खोल दे क्या? हाँ गेट तो खोलना ही पड़ेगा ताकि हवा जाए। अगरबत्ती के जैसा जला रहे brother, बदबू सी हो रही है इसकी तो, what's that? भाई मेरे स्टूडियो में बीड़ी जलवा दी। Yes, very sad. Anyway, it got me thinking. कोई नहीं, हो जाएगी। ये स्मेल अंदर तो नहीं रह जाएगी? कोई पता लगे अंदर स्मेल ही रह गई, मेरा बैटरी नहीं जा रहा। एयर फ्रेशनर, हाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, मेरे से नहीं काम हो पाएगा अगर ये जलती रही तो। निकलियो, क्या तूने पी ली? ऐसा करा ने भाई, ऐसे ही इतनी तेज आ रही है, पास से सूंघेगा तो आएगी। क्या घटिया काम कर रहे हैं हम, तुम्हें शर्म है कुछ? ऐसा लग रहा है भुट्टा सेक रहा हूं मैं। अभी तक तो नहीं गई होगी स्मेल, इतनी तेज तो आ रही है इसकी भाई, भुट्टा सेक रहा हूँ। तो गाइस किसी ने भुट्टा खाना हो
उनके पास भी सेम पंखा होता है भाई। तो आई नहीं रही यार गाइस, ये आई नहीं रही, मुझे लग रहा है तक स्मेल ही नहीं जा रही। अब क्या उसके कमरे के बाहर तक फू मार के आऊं क्या? मुझे लग रहा है आ रही है। इस इसे भी कर ले, हटा ले हटा ले हटा ले, इधर कर दे, आ रही है शायद। रुक जा भाई, मैं तो तेरे को बता रहा था कि उसको ना, उसको परसों बोलियो तू, आज का बोली मत। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। इसे गाना सुनाया भाई, वो जो मैंने परसों बनाया। को भी आ रही है बड़ी देर से, तेरे को भी आ रही है ना? बाहर से आ सकती है। हम बात कर रहे हैं, देख कौन है। मेबी नहीं, मुझे लग रहा है बाहर कोई बीडी सिगरेट पी रहा होगा कोई। तू एग्जॉस्ट ऑन कर दे, हमें भी आ रही है बड़ी देर से। हमने मेन गेट खोला था, इस वजह से तो नहीं आ रहा। हां वो वही मेन गेट से आ रही है, वो मेन गेट से आ रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं इसको गाना सुना रहा था जो परसों गाना बनाया ना, बहुत बढ़िया लगा। इसको कह रहा रिलीज कर दो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। यहां ज्यादा आ रही है, उधर बाहर तो नहीं आ रही थी। बाहर भी आ रही होगी, हमें तो बड़ी इरिटेशन हो रही है। अभी हम बाहर ही चल लेंगे। रूम में बैठी थी, वहां पे तो नहीं आ रही। चल रूम तो बंद था ना अभी तो। चल छोड़, कह रहा मैं क्या, तू जा, तू रेस्ट कर ले। ओके बाय। बाल बाल बच गया रे देवा, बाल बाल बचे आज तो। इसको ना रखते हैं, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं तो फट रही है। गाइस कुछ खाओगे? हैं कुछ खाओगे? नहीं नहीं अभी भूख नहीं है। पक्का? को बुझा देते हैं बाकी हम उसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो जला लेते हैं दोबारा से। जल गई मेरी। लाइटर तो बड़ा अच्छा है, ऐसा लग रहा है वेल्डिंग हो जाएगी इससे। वेल्डिंग सुंदर है। तान्या कुछ बढ़िया सा बना दे यार खाने के लिए। अभी पूछा था तो मना कर दिया था। अब मन सा कर रहा है यार कुछ खाने का। क्या खाओगे? हम्म, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ये तेरे को मैंने परसों बताया था ना, क्या जब उधर गए थे फ्लैट पे, उधर वाले फ्लैट पे गए थे ना परसों। अभी मैंने तुमसे आके पूछा बदबू आ रही है, तो तुमने कहा बाहर से आ रही है। अरे वो मेरे को था तेरे को बुरा लग जाएगा, फिर मेरे को लगा कि यार हम कौन सा रोज रोज पीते हैं, आज दूसरी बार ही पी रहे हैं। परसों जब फ्लैट पे गए थे ना, जब परसों फ्लैट पे गए थे तब वो कौन थे वहाँ पे जो मजदूर होते, उनसे ट्राई करी थी, वो पी रहे थे। मजदूरों से ट्राई? क्या बोल रहे हो? वो पी रहे थे बीड़ी, तो फिर उन्होंने कहा भैया पी लो, मैंने हल्की सी लगाई, इसने भी लगा ली साथ में, तो अच्छी लगी। मतलब तू ट्राई कर। पागल हो क्या? ट्राई कर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पागल हो, ये मत पियो। ओ यार यार ये कितनी ऑसम है। शुभम मत मना कर रही है, तू पागल है क्या? आए हाय तुमने इतनी सारी पी भी ली है। ऋतिक तू पागल है, तू नहीं से मना कर सकता था, ये तो है ही पागल। मैंने बोला एक बार ट्राई कर ही ले यार, मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। और तुमने जब परसों करी थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसमें बताने जैसा क्या था? दो दो कश मारे थे सिर्फ परसों, दो दो कश मारे थे। और मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, अगर हम ये हल्की फुल्की पी रहे हैं तो। सिगरेट पीने के बाद तो सेट हो जाता है दिमाग, कभी कभी पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कहते हैं हर चीज का लिमिटेड में, अगर आप लिमिट में हर चीज करोगे तो। बकवास मत कर, मेरे फर्स्ट टाइम है वैसे भी, दिमाग पूरा झन्ना सा रहा है। बात तो सही है। कोई बात नहीं, क्या हो गया, कभी कभी चलता है यार, इतना मत टेंशन मत ले, इतना एक एक पतली पतली सी बीड़ी टाइप। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम कितने एड्स वैड्स नहीं देखते क्या? कितनी गलत है हमारी हेल्थ के लिए। अरे वो वाह, जो लोग दिन में 10-10 सिगरेट पी जाते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, सबको नहीं होती, टेंशन ना ले तू। बकवास मत कर, आज के बाद तुम दोनों में से कोई भी नहीं पिएगा ये। अभी कभी कभी तो पी रहे हैं, हफ्ते हफ्ते में एक आध बार पी लो, क्या दिक्कत? तुमने परसों पी थी तो तुम दोबारा आज क्यों लेके बैठे? परसों सैटरडे था ना, आज नहीं, आज चले वीक है ना, वो पिछले वीक की हो गई है, इस वीक की हो गई, अब अगला मंडे मुंडे में देखेंगे। बकवास मत कर शिवम प्लीज यार, तुमने क्या हो गया, तू हर चीज के लिए रोकती रहती है यार। एक ही बार तो यार, तो तुम्हारी हेल्थ के लिए ही रोक रही हूँ मैं, कोई तुम्हारे को, मेरे को मजा आ रहा है इसे रोकने में। हेल्थ नहीं खराब हो रही, इतनी पतली सिगरेट थी यार, हम कोई मोटे वाली पी रहे हैं क्या जो
बड़े लोग पीते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं यार, शिवम पागल है क्या यार? यार तने इतना क्यों सीरियस ले रही है इन चीजों को, इतनी सीरियस? यार वो सीरियस चीज है, उससे सीरियस बीमारियां ही होती हैं। ओ भाई मैंने कौन सी 50वीं सिगरेट पी ली? रुक जा, वो लॉन्ग टर्म में पीते हैं तो तुम्हारा तो दिमाग खराब है। पड़ोसी भी क्या सोचेंगे यार? पड़ोसी को मैं उनके घर अपने घर बैठ के पी रहा हूँ ना, किसी के घर तो आवाज तो जाएगी ना कि हम सिगरेट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वो अगर लॉन्ग टर्म में पीते हैं तब तब है दिक्कत होती है। जो लोग डेली डेली पीते हैं, हम हफ्ते में एक बार पी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अच्छा पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाओ पापा को फोन करके पापा को वीडियो भेजो जरा। अब देख तू गया बेटा। क्यों पापा को भी पिलानी है? नहीं पापा को पता होना चाहिए ना, फिर पापा से ही पूछ लेते हैं कि पापा का शिवम एक हफ्ते में एक बार सिगरेट पी रहा है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। घर वालों को पिला रही है तो बीच में। यार एक बात बताओ ना, जो चीज करनी है फिर उसे खुले में करो ना। जो तेरे मेरे बीच की बात है उसे तेरे मेरे बीच में रहने देना। क्या दिमाग खराब हो गया क्या यार मेरा? तो क्या मुझे तो बढ़िया लग रहा है यार, मुझे तो ऐसा लगा जैसे रिलैक्सेशन सा हो गया दिमाग को। खुशबू सी भी आ रही है। खुशबू नहीं सर, बदबू बोलते हैं। मुझे घुटन हो रही है, उसमें इतनी गंदी स्मेल है। इसको खुशबू आ रही है, देख मेरे को तो बदबू आ रही है। मैं तो तेरे साथ हूँ, बहुत गलत चीज है, इसलिए हफ्ते में एक बार पियेंगे भाई बस। तू पागल है? तेरे घर वालों को पता चलेगा, उन्हें कैसा लगेगा यार? वो इतनी ट्रस्ट करके तेरे को हमारे पास भेजते हो, तू आके ये सब कर रहा है यहाँ पे? अभी रेगुलर नहीं कर रहा कोई भी, वहाँ पे जाके कौन से रेगुलर? या बात रेगुलर की नहीं है, तुम अभी हफ्ते में एक बार पियोगे, फिर दो बार पियोगे, फिर तुम्हें आदत हो जाएगी, फिर तुम पूरी पूरी डब्बियां खत्म कर दोगे हफ्ते में यार। अरे तो इसको बोलते हफ्ते में एक ही पियेंगे। मैं तो हफ्ते में एक पीऊंगा, हफ्ते में एक पक्का। एक की परमिशन दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हफ्ते में एक सिगरेट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कोई परमिशन नहीं दे रही, मैं तो घर वालों को। भाई मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ दिन में 8-8 सिगरेट पी जाते हैं, मैं तो फिर भी हफ्ते में एक कह रहा हूँ तेरे को। बिल्कुल हाँ, लोग दिन में 8-10 डब्बी की डब्बी खत्म कर जाते हैं लोग। और कुछ मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे घर में नहीं रहते, वो मेरे पति नहीं है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तुम दोनों हो ना यार, तुम पागल वागल हो गया और आगे से मुझसे गलत चीजें करके मुझसे बहस भी कर रहे हो। और अभी जब मैं आई पूछने के लिए तुमने मुझे झूठ भी बोला कि बाहर से आ रही है स्मेल। दोनों के दिमाग खराब हो गए हैं क्या? ठीक है आपसे 10 दिन में एक पियेंगे बस। मैं मना कर रही हूँ शिवम, 10 दिन में एक क्या होता है बेबी? ये देखो कितनी पतली है, कुछ भी नहीं है। और ये अंदर कितना डैमेज कर रही होगी उसका पता है तुझे? पतली है तो यार क्या डैमेज करेगी यार, वैसे भी तो बाहर तू सड़क पे निकल जा। पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है क्या? तुझे नहीं पता क्या? यार तू तो ऐसे बोल रही है, पता नहीं भैंस की किसी का मर्डर मुर्डर कर दिया हो ऐसे। अपना ही मर्डर कर रहा है ब्रो, तू किसी का क्या करेगा? तेरे हिसाब से ये सब बिल्कुल ठीक है ना? भाई मेरे को इतना पता है लोग दिन में 10-10 पी जाते हैं, मतलब तेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है? मेरे को इतना पता है लोग दिन में। फोन दियो, एक सेकंड फोन दे। ना ना फोन का मैटर ही नहीं है, फोन दे। ऋतिक को बुला रही है, मैं खुद नहीं ले सकता। पहले उसके घर में बता, पहले उसके घर में बता, फिर अगर बता। मैं दोनों के घर में बताऊंगी, बताओ अब। रुक जा, अभी रुक जा। ना ना, अरे एक सेकंड, मैं वीडियो रिकॉर्ड तो कर लूँ जरा। वीडियो कहाँ, किस चीज की वीडियो रिकॉर्ड? एक मिनट, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ कि पापा ये देखो ये पी रहा है, ये कह रहा है कि एक हफ्ते में एक पीऊंगा तो कोई खराबी नहीं है। नॉर्मल रख बात को ऐसे, ठीक है? घर वालों को आपको मेरी कसम है, फोन मुझे दो, मैं एक मिनट वीडियो तो बना लूँ ना। अच्छा रुक जा, बस हवा निकल गई। दे दिया था फोन, कसम पे, अब वापस दे फोन। फोन का मैटर मत डाल बीच में तू, हम तेरे मेरे बीच में रहने देना बात यार। मैंने कसम दिया ना, चुप रह जरा, पापा को वीडियो बना ले, तू बना ले, ले आ जू, ले हाँ। ले ले पापा जरा देखना, ये एक हफ्ते में एक बार सिगरेट पीने लग गया, ये देखो पापा। भेजेगी नहीं तू, बनाती रह तू। क्यों, मैं तो भेजूंगी। जा भेज दे। और कह रहा है पापा कि बिल्कुल ठीक है, ये पी सकता हूँ मैं एक हफ्ते में एक बार। और ये भी पी रहा साथ में, इसको भी बिगाड़ दिया इसने। हफ्ते में एक में क्या प्रॉब्लम है भाई? वो पापा ही बता देंगे अब भाई, लोग दिन में। ठीक है तू भेज ले। भेजूंगी मैं ये वीडियो। भेज लियो लेकिन आधे घंटे बाद भेजियो। क्यों, आधे घंटे में क्या हो जाएगा? मैं तेरे को समझाऊंगा कि भाई सिगरेट पीना गलत नहीं है, लोग दिन में 10-10 पी जाते हैं, मैं हफ्ते में एक दिन कह रहा हूँ, तू पूछ ले। चलो भाई पीते है ना लोग दिन में 10-10 पीते है ना लोग। कितनी गंदी बदबू भैंस की आग। सो दिस प्रैंक वॉज सक्सेस। अरे कहना क्या चाहते हो? ये हो चुका है प्रैंक सक्सेसफुल, मुझे लग नहीं रहा था मैं सक्सेसफुल कर पाऊंगा। रूम खोल भाई, मैं हाँ भाई बहुत बदबू हो रही है, हटाओ उसे यार। तुम तो बड़े ही पागल हो यार, तो खुद इतना घुटन घुटन सा लग रहा था। बदबू में, और तुमने सच में पी है फिर इसको? नहीं पी हमने जला के। ये देखे पंखा, बदबू सूंघ के इसे जलाई और ऐसे पंखा कर रहे हैं कि बाहर जाए।
पक्का नहीं पीना? मैं चेक करूंगी अभी। ऋतिक तूने भी नहीं पीना एक कश भी? कर ले तू, चेक कर ले जा। एक कश भी नहीं पिया ना? नहीं, एक कश भी। कश बोलते हैं उसको। कश बोलते हैं। वाह, ये ज्यादा प्रोफेशनल है गाइस, इसको पता है, इसको कश बोलते हैं। सिगरेट फूंकने चला था, कश भी नहीं पता क्या होता है। ए हाय, देख लो गाइस ऐसी हालत है। सच में इसकी बदबू बहुत गंदी थी। हाँ, बहुत गंदी बदबू थी गाइस। आप में से भी कोई भी मत पीना, बट काफी सारे लोग होंगे जो दिन में खींच जाते होंगे। आठ आठ दर्जन है, छोटी एडवांस है, छोटी एडवांस। गाइस अगर तुम लोग भी पीते हो ना तो प्लीज इसको रोक दो, ये बहुत ही गलत है तुम्हारी हेल्थ के लिए। प्लीज, सबसे एम्बैरेसिंग पार्ट था हमारा, हमें जब बाहर लेने जाना था और हम ये बोल रहे थे कि तू ले तू ले तू ले तू ले। भाई इतनी देर तक हमारी यही बहस चलती रही। मेरे को सच में इतना गुस्सा आता ना कि मैं तुम लोगों के मुंह पे एक चाटा मार दूं। मुझे पता बुरा क्या लग रहा था कि ऋतिक के मम्मी पापा क्या सोचेंगे कि चंडीगढ़ जाके हमारा बच्चा बिगाड़ दिया इसने। क्यों, मम्मी पापा को कैसे पता लगता? और तुमने क्या बोला, मजदूरों के साथ पी थी तुमने? और कुछ दिमाग में आई नहीं रहा था। हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं, उधर बहुत बार होता है ना, लेबर वेबर पी रही होती है तो फ्लैट के जो काम। और हम लोग इतने इंट्रोवर्ट्स हैं कि हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या, यही है बस। तो गाइस दैट्स इट, आज के प्रैंक में आप सबको बहुत मजा आया होगा। मुझे तो नहीं आया, मुझे तो घुटन सी फील हो रही है अभी भी। मेरे अंदर ऐसे लग रहा है कि कुछ गंदी बदबू सी है। वो मुझे भी हो रहा है, वो इसे भी हो रहा है, बट फिर भी आप सबको मजा आ रहा होगा क्योंकि आप तक वो स्मेल नहीं आ रही होगी। आप तो मजे में एसी चला के साथ में खाना खाते हुए, चिप्स खाते हुए, पेलते हुए। लेकिन मैं अभी भी पापा को तो ये वाली वीडियो भेजूंगी फोन में, तो बन गई। अजय मैं वो व्लॉग नहीं देखेंगे, दिखा दूंगा। बता दियो तो, लेकिन एक बार पापा को भेजूंगी झटका लगाने के लिए कि पापा को लगेगा सच में शिवम पी रहा है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उससे पहले तबाही हो चुकी होगी। बोलेंगे साले, क्या हो चुकी होगी? उससे पहले तबाही मच चुकी होगी। हाँ, मैं पापा को भेजूंगी। पापा देखो सिगरेट पी रहा है, पापा का रिएक्शन लूंगी जरा कि क्या बोलते हैं पापा। ले पापा का रिएक्शन एक बार भेजू पापा को, चल इसी में दिखा देते ना। नहीं 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 नहीं, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और ऐसे प्यार देते रहे। मुझे कोई मजा नहीं आया। आप सब, मुझे तो पता भी नहीं था आज कहीं पे व्लॉग व्लूग भी बन रहे। तो यूजुअली प्रैंक ऐसे होता है कि व्लॉग बन रहा होता है, व्लॉग के बीच बीच में प्रैंक हो जाता है। आज छुपके छुपके कर लिया हमने सारा का सारा प्लान। खैर, इन सब की बातों को इग्नोर करते हुए आप मेरी बात पे ध्यान दो। वो ये है कि हम आप लोगों के कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और आप सबके फीडबैक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो आप लोग अपने फीडबैक में ज़रूर बताएं आपको क्या चाहिए नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी तक आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, ताकि हम आगे का कंटेंट प्लान कर पाएं। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू। अच्छा बोला इसने, एक ही लाइन। बाय। ओके गाइज, बाय। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। मैंने तो नहीं किया, आप लोगों ने किया। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। यय, बाय।